ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಐಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಲ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಐಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಐಪಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು 13 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಾಧ್ವಿ ಆದರು. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಕೋ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಸೇ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೇ ಸಾಧ್ವಿಜಿ. ಸಾಧ್ವಿಜಿ, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಏಕ ವಿಐಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕರ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ಆಪ್ ಆಜ್ ಸದಸ್ಯ ಹೋ. ತೋ ಆಪ್ 13 ಸಾಲ ಕೆ ಉಮರ್ ಮೇ ಸಾಧ್ವಿ ಬನೆ, ಔರ್ ಶಾಯದ್ 5 ಸಾಲ ಕೆ ಉಮರ್ ಸೇ ಆಪ್ ರಾಮ್ ಕಥಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೋ. ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಕೇಸೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ಕೇಸೆ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ 13 ಸಾಲ ಕೆ ಉಮರ್ ಸೇ ಆಪ್ ಸಾಧ್ವಿ ಬನೆ ಹೋ ಔರ್ ಹಿಂದೂ ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯೇ ಹೋ? ಮೇರಾ ಜನಮ ರೀವಾ ಮೇ ಹುವಾ. ಮೇರೆ ದಾದಾಜಿ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮ್ ಸಜೀವನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜಿ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಕೆ ಪ್ರವಕ್ತಾ ಥೆ. ಮೇ 4 ಯಾ 5 ವರ್ಷ ಕಿ ಉಮ್ರ ಸೇ ಜಬ್ ಉನ್ಕೋ ದೇಖ್ತಿ ಥಿ, तो जब वो घर पे हमारे रोज़ सत्संग होता था और जब वो सबको कथा सुनाते थे, तो फिर जब सब चले जाते थे तो मैं उनको बैठ के जो वो सुनाते थे वो उनको रिपीट करती थी, तो वो काफ़ी प्रसन्न होते थे, खुश होते थे. उसके बाद ये क्रम चलता रहा. तो जब दादाजी ने देखा कि ये तो बिल्कुल कथा वाचकों जैसा कथा करती हैं और बिल्कुल वैसा ही सुनाती हैं, तो फिर उसी उम्र से 5 या 6 वर्ष की उम्र से कथा करने का क्रम प्रारंभ हो गया. उसके बाद 7 या 8 वर्ष की उम्र से पूरे भारतवर्ष में जा जा के मैं कथा करने लगी. उसके बाद जब मैं 13 वर्ष की हुई तो मैंने परम पूजनीय नागेंद्र ब्रह्मचारी जी से दीक्षा ली, परंतु मैंने सन्यास की दीक्षा नहीं ली, क्योंकि जब सारा संसार एक तरफ धर्म और देश के लिए के बीच में कंफ्यूज हो जाता है कि भाई धर्म क्या है और देश क्या है, तो मैंने समाज को ये बताने का प्रयास किया कि मेरे लिए धर्म और देश में कोई अंतर नहीं है. मैं भारत माता की भी पूजा करती हूँ और भगवान श्री राम की भी पूजा करती हूँ, तो मेरे लिए राम और राष्ट्र में भेद नहीं है. तो साध्वी का मीनिंग मैं आपको एक समझा देती हूँ कि साध्वी लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसने ऐसे वस्त्र भगवा पहन लिए या सन्यास ले लिया उसे साध्वी. साध्वी का मतलब होता है अपने जीवन को साध लेना, अपने जीवन को अच्छे पथ पे, अच्छे रास्ते पे क्रिएट अच्छे करना. तो मैंने अपने जीवन को परमात्मा के और राष्ट्र के दोनों के पथ पे समर्पित कर दिया है. आपने अपने जीवन को जो राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, अभी आप शायद गौ सेवा में भी आप काम कर रहे हो जी. तो आपने गौ एम्बुलेंस करके एक कार्यक्रम शुरू किया है जो 40 प्रांतों में बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या करना जी? हाँ, मैं बचपन से ही गौ सेवा करती रही हूँ. मेरे घर में गौशाला रही, मेरे दादाजी गौ भक्ति मुझे सिखाते रहे हैं. पूरे भारत वर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में गौ माता को माता कहा गया है. गावो विश्वस्य मातरः का सूत्र वेदों से, उपनिषदों से दिया गया है. हम भगवान श्री कृष्ण का नाम भी गोपाल गौ माता के पीछे ही पड़ा. लेकिन आज की स्थिति इतनी बुरी है कि गौ माता को बूचड़खानों में ले जाके काटा जाता है. आज हम भारत माता के पुत्र होके, गौ माता के पुत्र होके अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे, और जो गायें बूचड़खानों से बच जाती हैं वो गायें रोड पे बीमार होती हैं, परेशान होती हैं, एक्सीडेंट होता है उनका, कचरा खा करके या कांच खा करके वो बीमार पड़ी रहती हैं. तो हमने ऐसा संघ की दृष्टि से 40 प्रांत जो भारत में होते हैं उसके हिसाब से हमने प्रयास किया है कि हम सभी प्रांतों में एक एक गौ सेवा वाहिनी, जिस एम्बुलेंस का नाम हमने दिया है गौ सेवा वाहिनी, वो एम्बुलेंस हम प्रोवाइड कराएं. और उसमें हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है कि हमें वहाँ से कुछ चाहिए, हमें सिर्फ वो एम्बुलेंस देनी है. कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी लेनी होती है कि हाँ इसको चलाना, इसको हम चलाएंगे चलाएंगे. आप 2008 से आरएसएस से जुड़े हुए हो जी, वहाँ पे भी आपने बहुत सारा काम किया हुआ है और करते आ रहे हो जी. आरएसएस से कैसे जुड़ना हुआ? गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह के समय में मैं पूर्णतः जुड़ी. वैसे तो बचपन से ही बैकग्राउंड आरएसएस का था, पिताजी शाखा जाते थे, मेरे बड़े भाई लोग शाखा जाते थे, तो मतलब मेरा बचपन ही कह सकते हैं कि अभी भी मुझे जब कुछ मेरे पिताजी के मित्र या कोई मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं हम आपको तो शाखा में लेके भैया आते थे, तो हमने आपको अपनी गोद पर खिलाया है, तो वो काफ़ी प्रसन्न होते, खुश होते हैं. और फिर जब कभी मिलते हैं तो मुझे भी प्रसन्नता होती कि मैं ऐसे देश भक्तों के गोद में खेल करके बड़ी हुई हूँ जो देश और धर्म के लिए कार्य करते. उसके बाद मैं बड़ी हुई 2008 में गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह के समय में मध्य प्रदेश में, जब गुरुजी जन्म शताब्दी का माहौल चल रहा था तो उन्होंने कहा आप तो इतनी छोटी हैं लेकिन इतना बढ़िया देश धर्म के लिए बोलती हैं, तो हम आपको प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं. तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कार्य करूंगी बिना किसी पद के,
आप चाहते हैं आप जैसा बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, पर मैं कोई पद नहीं लेना चाहती, पर हाँ राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए तो मैं मध्य प्रदेश, गुजरात में, महाराष्ट्र में गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह के लिए फिर मैंने वहाँ से काम करना प्रारंभ। तो जब आपका ये कार्य बढ़ता रहा तो शायद हाल ही में एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, आपने कभी तो कहा था कि गौ भक्षकों को फांसी पे चढ़ानी चाहिए, तो इसके बारे में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे? ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं, परसों की बात है, मैं गोवा में अधिवेशन चल रहा था, दो सत्र थे उसमें, पहला सत्र हिंदू राष्ट्र का, दूसरा सत्र गौ रक्षा का था। आप खुद एक हिंदू हैं, देशभक्त हैं, और इस चैनल का नाम ही स्पंदन है, स्पंदन का अर्थ ही इतना पवित्र होता है, हम स्पंदन हमारे हृदय में तब होता है जब हमें आत्म साक्षात्कार भगवान से होता है, वो हमारे लिए स्पंदन का मीनिंग होता है। तो उसी प्रकार एक स्पंदन तब होता है पहली बार जीवन में जब उसका पुत्र किसी को माँ कह के बुलाता है, और माँ शब्द की उत्पत्ति ही गौ माता से होती है। उस टाइम का जो स्पंदन, जो फीलिंग होता है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट फीलिंग होता है, आप सभी समझते हैं। तो जिसे हम माँ कहते हैं, जो हमें दूध पिलाती है, जो अपितु मेरी ही नहीं भगवान कृष्ण की माँ है, गोपाल ने जिन्हें गौ माता कह के पीछे पीछे गैया चराते हुए घूमे हैं। तो मैंने उन्हें कहा वहाँ पे गौ से सत्र में, मैंने कहा कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, केंद्र सरकार से मैं निवेदन करती हूँ। रही बात बीफ खाने वालों की, तो बिल्कुल सत्य कहा, ये मैंने क्या गलत बोला कि हमारी माँ को, जिसे हम माँ कहते हैं, जिसके साथ हमारी धार्मिक भावना जुड़ी, वो कहते हैं कि हम खाने पर पाबंदी लगाते हैं, हम खाने को लेकर फ्रीडम नहीं दे सकते, क्या क्या भारत में इतना फ्रीडम नहीं रह गया कि हम कुछ भी खा सके, लेकिन हमारी माँ ही क्यों, हम जिसे माँ कहते हैं, हमारी भी धार्मिक भावना आहत होती है। आप हमें कहते हैं कि साध्वी जी पे केस करो, धार्मिक भावना को आहत किया है इन्होंने, ऐसा किया है, तो हमारी भी धार्मिक भावना आहत होती है जब लोग बीफ खाते हैं। तो हाँ, अगर कोई हमारी माँ को काट करके खाने की बात करेगा, या बीफ खाएगा, या बीफ से रिलेटेड ऐसा कोई भी स्टेटमेंट व्यक्ति देगा कि हम बीफ खाते हैं, हमारा स्टेटस इससे बढ़ता है, स्टेटस सिंबल बना लिया लोगों को, लोगों ने बीफ खाने को, तो हाँ मैंने ये बात कही और मैं इस बात पे हमेशा अटल रहूंगी। अभी हाल ही में केरला में बीफ फेस्टिवल करके करना शुरू कर दिए है, और कांग्रेस के कुछ जवानों ने भी एक कार्यक्रम किया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? वो तो दुष्ट प्रवृत्ति के नीच लोग हैं, जिन्हें राक्षसों से भी ज़्यादा नीची उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि वो राक्षस भी नहीं हो सकते, राक्षस भी एक बार गौ माता को छोड़ देते थे, लेकिन ये इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य इन्होंने किया है कि गौ माता को काट करके विरोध प्रदर्शन किया है। और मैंने उनके लिए खास तौर से कहा था कि ऐसे लोगों को जो गौ माता को काटते हैं बीच चौराहे पे, उनको फांसी पे लटका देना चाहिए, उनको फांसी की मांग की, तो लोग इस बात को कंट्रोवर्सी बना लेते हैं। मैंने ये बात कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बोली, केंद्र सरकार के कानों में पड़ने के लिए ये बात बोली है। और जिस प्रकार से केरला बीफ पार्टी का या बीफ फेस्टिवल आयोजन करती है, मेरे हिसाब से सिर्फ ये विनाश का और पतन का समय उनका आ गया है, इसलिए ऐसा वो कार्य कर रहे हैं। साध्वी जी, आपसे और सारे बात करनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। VIP ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗೋ ಭಕ್ಷಣೆಗೆ ಫಾಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಧ್ವಿಜಿ, ಹಾಲಿಮೆ ಜೊ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ತೀನ್ ವಿಷಯ ಪೇ ಕಾಮ್ ಕರ, ಏಕ್ ತೋ ಗೌ ರಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಹುವಾ, ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಹುವಾ. ಇಸ್ ಪ್ರಾಂತ ಮೇ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಶಾಯದ್ ಜಾದಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕರ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಔರ್ ಕೇರಳ ಮೇ ಏಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೈ, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारा भारतवर्ष स्त्री प्रधान देश भी रहा है, यत्र नारी पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता का सूत्र दिया गया है। बहुत सी जब लड़कियां मॉडर्न हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा कहती हैं कि हम ओवर एजुकेटेड हैं, हम किसी से पूछने की ज़रूरत क्या है कि हम किससे प्रेम करें, किससे शादी करें, हु आर यू, आप कैसे बोल सकते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। परंतु मुझे कोई अधिकार हो या ना हो, परंतु राष्ट्र के प्रति एक दायित्व जरूर है। हमारी बहन बेटियां हमारी मर्यादा हैं, हमारी संस्कृति है, हमने उन्हें हमेशा हृदय पे स्थान दिया, हमेशा माथे पे स्थान दिया, कभी पैरों की जूती नहीं समझी। इनके यहाँ स्त्रियों को देखिए, तीन बार तलाक कह कह के, तलाक कह के स्त्रियों को अपमानित करके, निकृष्ट करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बुरखा पहनने पर मजबूर किया जाता है, बुरखा नहीं पहनते तो फिर कहीं से भी फतवा जारी हो जाता है।
कोई स्त्री अगर सिंगर निकलती है तो फिर उस पर फतवा जारी होता है, कोई स्त्री अगर अच्छा काम करती है तो मतलब कोई भी कार्य इनके यहाँ स्त्रियाँ कर ही नहीं सकती। इतनी बुरी स्थिति के बाद ये हमारी हिंदू बहन बेटियों पर फिर इनकी नज़र आ गई और फिर इन्होंने एक नया कार्य प्रारंभ किया, लव जिहाद। इसका प्रारंभ हुआ स्कूलों से, ट्यूशन से, मोबाइल्स की शॉप से। अगर नज़दीकी सूत्रों की माने तो ये सब जितने इनके बड़े धर्माधिकारी हैं इनके द्वारा, सहायता के द्वारा, क्योंकि ये छोटे छोटे गरीब लोग ऐसा काम तो कर नहीं सकते जिनके पास कुछ नहीं है, तो इनको बहुत मात्रा में इनसे पैसा आता है और फिर उसके बाद ये अपना कार्य प्रारंभ। लव जिहाद का सीधा सा मतलब हिंदू जनसंख्या को कम करके मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाना है, हमारी बहन बेटियों के संग बहला करके, फुसला करके उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके बाद जबरन इनके साथ विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद अधिक से अधिक संख्या में इनको मुस्लिम पुत्र, इनके बच्चे चाहिए, उसके बाद उनको जबरन या तो छोड़ दिया, तलाक दे दिया, दूसरा विवाह कर लिया, उनको बेच दिया, ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं। लव जिहाद से हमारे देश की स्त्रियों का एक तो आत्मसम्मान जा रहा है, भारत का गौरव जा रहा है और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, आत्महीनता का शिकार होकर आत्महत्या कर रही हैं या गलत किसी कार्य में चली जा रही हैं, तो वो भारत के लिए बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी प्रार्थना करती हूँ कि ये रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, जहाँ पे माँ जीजायू ने जन्म लिया जिन्होंने शिवाजी महाराज को वीरता का संदेश दिया, माँ विद्यावती ने जिन्होंने भगत सिंह जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो क्या उस धरती पे बहनें अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती? और यही बात मैंने परसों कही कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए, इवन इंक्लूडिंग बहनों को भी, लड़कियों को भी, कि उनको भी अपने पास में सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखना। ये तो कानून भी कहती है कि अगर लड़कियां सेल्फ डिफेंस के लिए अपने कुछ करती हैं तो वो कोई गैर कानूनी, कोई इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं होता। तो फिर हमारे ऊपर फिर कंट्रोवर्सी क्यों की जाती है कि अगर हम हथियार रखने के लिए कहते हैं तो हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कहते हैं? तो मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से भी यही कहूंगी कि बहनों को चाहिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखे, किसी भी ऐसे गैर हिंदू व्यक्ति से संपर्क ना साधे, उनसे थोड़ा दूर ही रहें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जबरन आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो एक तो उसका विरोध करिए, आप अगर सक्षम हैं तो उसे जवाब दीजिए जैसे भी आप दे सकती हैं, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या अपने भाई से या किसी भी हिंदूवादी संगठन से आप संपर्क करके अपनी रक्षा करें। जब ये हिंदूवादी संगठन इस चीज़ के बारे में काम करना शुरू कर देते तो इसको मॉरल पुलिसिंग कहा जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये जो देश है हमारा, मुझसे परसों के दिन ही एक क्वेश्चन किया गया कि आपके लिए आपका संविधान पहले या धर्म पहले। आप भी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और संविधान धर्म का एक अंग है। संविधान से धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है, धर्म से संविधान उत्पन्न हो सकता है। अब जब हमारे कार्यकर्ता, जैसे कर्नाटका की बात कहूँ तो बहुत समय पहले मैंने यहाँ पे ही बहुत सारी न्यूज़ सुनी थी, मैं मैंगलोर में 2015 में कार्यक्रम करने के लिए आई थी, तो मेरा ही प्रोग्राम था, तो किसी एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे फोटो को एडिटिंग करके या कुछ गंदा वो करके किया था, तो जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू किया तो उल्टा पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो होता यही है कि हमेशा जो दुख और ऐसी परिस्थितियों का सामना हिंदुओं को ही करना पड़ता है, और हमारी गलती यह है कि हम हिंदू हैं, सिर्फ गलती हमारी यही है, मेजॉरिटी है, वही गलती यही है? गलती है हमारी, गलती यही है कि हम मेजॉरिटी में है। हर जगह ये होता है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी जीत होती है, हिंदुओं का ऐसा है कि ये हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं, और अगर इसी बीच में हम हिंदू राष्ट्र की बात कर दें तो वो तो फिर इनको ऐसा लगता है, इनकी हमारे हिंदी में कहावत है कि छाती पे सांप लौटने लगता है, वैसी वाली परिस्थिति इनके यहाँ हो जाती, चाहे वो सरकार हो चाहे वो तथाकथित इनके धर्मगुरु हो। मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ कि अगर हिंदूवादी संगठन कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, देश और धर्म की रक्षा के लिए ही करते हैं ना, तो आपको उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो केंद्र सरकार से ये भी कहूँगी कि ऐसी कोई नई टीम बनाए, जो अगर आप चाहते कि हिंदूवादी संगठन ऐसा ना करे तो आप ऐसी टीम बनाओ जैसे रॉ काम करता है, वैसे एक नया कोई संगठन ऐसा बनाया जाए जो यहाँ के छोटी छोटी समस्याएं हैं जैसे लव जिहाद है, गौ हत्या है, इस पे काम कर सके। सही है। तो अभी मॉरल पॉलिसिंग के बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सियाँ चल रही है और शायद दिल्ली में इस बारे में बातचीत भी बहुत हो रहा है, तो कभी बोला गया था कि गौ का रक्षा जो कर रहा है वो केंद्र सरकार से ऐसा सूचना है, गौ का रक्षा जो कर रहा है वो शायद गौ रक्षा से ज़्यादा दूसरा ही कोई डीलिंग कर रहा है,
तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा ही कहा गया था, मोदी जी ने कहा था कि गौ रक्षक कम गुंडे ज्यादा है। मैं सीधी बात करती हूँ क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई डर नहीं है, मैं परमात्मा से डरती हूँ और कभी कभी तो मैं भगवान से भी लड़ने लगती हूँ जब कुछ बुरा होता है, तो क्योंकि किससे लड़ूं, मेरे प्रभु ही बात सुनते हैं और आजकल समाज तो सुनने वाला है नहीं। देश में धर्म संस्कृति चलती आ रही है और अगर गौरक्षक काम करते हैं और उनको आप गुंडा कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं 30-40% ऐसे गौरक्षकों का संबल टूटा है, उनको हृदय में इतना आघात लगा है। मैं मानती हूँ शायद उनके कहने का कुछ मंतव्य और रहा होगा या उन्होंने किसी और तरीके से कहा या किसी को नहीं समझा होगा, मैं उस बात से बिल्कुल उनकी बात काट नहीं रही हूँ, उन्होंने जो बोला वो उनके हिसाब से बोला होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक भी गौ माता को बचाया है वो व्यक्ति कभी गुंडा नहीं हो सकता, वो केवल गौपुत्र है, देश और धर्म की रक्षा करता है। और हम ऐसी बातों का बिल्कुल विरोध करते हैं जो गौ रक्षकों को गुंडा बोलते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि गौ सेवा करना और अगर गौ माता के लिए हथियार भी उठाते हैं या गौ माता के लिए किसी कसाई को पीटते तो आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आपकी माँ के संग कोई आदमी छेड़खानी कर रहा है, गलत व्यवहार, फिर वो तो हमारी माँ को काटने के लिए लेके जा रहे। तो हमारे अंदर अगर वास्तव में हिंदू का खून है, शेरों की औलाद है, तो खून तो खोलेगा ही, और फिर अगर वास्तव में हमारे अंदर वीरता नहीं है, हम कायर है, तो फिर दुम दबा करके बैठ जाएंगे। साध्वी जी, हाल ही में और एक चीज चल रहा है जिसके विरुद्ध शायद आरएसएस एज वेल एज विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, ये क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्शन चल रहा है। तो ऑलरेडी अगर आप ईस्टर्न पोर्शन देखो तो ईस्टर्न पोर्शन में, हमारे देश के ईस्टर्न पोर्शन में ऑलरेडी मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी हुआ है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको सारी समस्याएं जितनी आपने बताई सब घूम फिर के एक ही बात पे आ जाती है, वो है हिंदू राष्ट्र पे। क्या है कि सदियों से इस भारत देश पे कई आततायी लोग आए, मुगल आए, यहाँ पे यवन आए, कितने लोगों ने देश को गुलाम बनाया। आज भारत के कई ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कई ऐसे क्षेत्रों पर ईसाई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दोनों ही आतंकवादी हैं। एक आतंकवादी वो है जो खून खराबा करके और लोगों को मार पीट करके आतंकवाद कर रहा है, बम विस्फोट कर रहा है, कश्मीर में आकर के पाकिस्तान ऐसे कार्य कर रहा है, और ये इनका साइलेंट टेरर कह सकते हैं इसको। हाँ, साइलेंट टेरर मतलब चावल दे दिया, राइस क्रिश्चियन बन गए, थोड़ी सी दवाइयाँ दे दी, क्रिश्चियन हो गए, शिक्षा के नाम पर, मतलब एजुकेशन के नाम पर इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना एक फील्ड बना करके रखा है। मैंने मुंबई में इनका एक प्रोग्राम देखा कि वो उनको पता नहीं कोई इनके भगवान आते हैं और ये लोग सिर हिलाते हैं, फिर इनके भगवान आके बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर जाते हैं, कैंसर हो ठीक हो जाता है, डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, मतलब एक मिनट के अंदर चमत्कार इनका ऐसा होता है। और मैंने जब देखा बाद में, तो जो लोग वहाँ पे मंच पे आके, स्टेज पे आके नाटक कर रहे थे, उनको 5,000 रुपये का पैकेज दिया जा रहा था, तो मतलब मुझे देख करके इतना आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। तो कुल मिला के हिंदुओं को धोखा देने का, क्योंकि हिंदू पूजा पाठ में बहुत भरोसा रखते हैं, वो जानते हैं कि शायद डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा किसी वैद्य या बाबा की बूटी काम कर जाए। तो ये लोग अब उस पॉलिसी में आ गए हैं, इन्होंने जाना कि चावल अनाज और ये सब तो ठीक है, एक रास्ते पे है, पर अब हम धर्म के नाम पे इन लोगों की अंधश्रद्धा पैदा करेंगे और इनको कन्वर्ट करेंगे। तो आप सही कह रहे हैं, इधर का पूरा क्षेत्र तो हो ही गया है कन्वर्ट, अभी बिहार में, झारखंड में ये लोग देखते हैं कहाँ पे गरीबी है, कहाँ पे गरीब लोग हैं, कहाँ पे वो, उस जगह पे जा करके ये लोग अपना कन्वर्सेशन प्रारंभ करते। तो मैं यही कहती हूँ कि जो छुई मुई का पेड़ होता है ना, वैसा धर्म को इन्होंने बना लिया है। कन्वर्ट करना मतलब हमारे ब्राह्मणों के, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो हमेशा से यही कहा जाता है, अरे इसने छुआ धर्म नष्ट हो गया, इसने छुआ। मैं वैसी धारणा में विश्वास करने वाली व्यक्ति नहीं हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमारे यहाँ चार वो बताए गए, वर्ण बताए गए, वो एक वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हुआ है। लेकिन अब ये जो हमारे शूद्र भाई हैं या जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको ये कहते हैं कि अरे तुमको तो छुआ छूत किया जाता है, हम लोग तो तुमको गले से लगाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे हिंदू भाइयों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि अगर आप कन्वर्ट हो गए, तो गीता में भगवान ने कहा श्रीयान स्वधर्मो विगुढ़ पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में भय मिलता है, तो अपने धर्म में मर जाना ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र अपने धर्म के लिए, जोरावर सिंह, फतेह सिंह शहीद हो गए, बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो मैं आप सभी से भी यही निवेदन इस चैनल के माध्यम से करूंगी कि चाहे ईसाई धर्मांतरण करें या मुस्लिम धर्मांतरण करें, लेकिन अपने धर्म में मर जाना बेहतर है बजाय किसी दूसरे के धर्म में जाना। अभी हम देश का जो पॉपुलेशन है वो 60% यूथ है,
तो भारत देश का अगले 20 साल में शायद सुपर पावर होने के बारे में सोच चल रहा है, आपका क्या कहना है कि युवकों को किस दिशा में जाना है? बिल्कुल सही कहा, यूथ काफ़ी देश के लिए आ भी रहा है, सही है। आज से 10 साल पहले जो समय चल रहा था और अभी 10 साल के बाद, ऐसा कह सकते हैं कि एक साथ 25 साल आगे हम जा चुके हैं। हालांकि हम 10 साल ही आए आगे, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सोशल मीडिया और सभी, तो यूथ काम कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही दिशा चलती रही तो 10 साल बाद जो सुपर पावर आने वाली वो देश के हित में आएगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी तीव्र गति से हमारा देश, हमारा धर्म जा रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम में जाती हूँ, मतलब दूसरे संत महात्मा शिकायत करते कि साध्वी जी हमारे कथा में तो बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ताली बजाते हैं, आपके कार्यक्रम में सब यूथ आते हैं। तो देखिए, यूथ को धर्म कर्म तो करना ही चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, साथ साथ में देश के प्रति अपना दायित्व भी संभालना चाहिए कि सिर्फ पुलिस का काम ही नहीं है हमारी रक्षा, सिर्फ बॉर्डर पे बैठे हुए सैनिकों का काम ही नहीं है हमारी रक्षा करना, उनका भी कर्तव्य होता है कि अपने अपने गाँव, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने शहर का, अपने अपने टाउन की रक्षा की एक जिम्मेदारी ले। जैसे VHP ने एक बढ़िया अपना संगठन बनाया है, वैसे भले ही किसी भी संगठन में रह करके, हम ये नहीं कहते कि आप इसी संगठन से जुड़ो, अपने अपने एक संगठन को एकत्रित करके अपने गांव की, अपने शहर की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद साध्वी जी, आपसे और थोड़ा शिक्षण लेना है, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ವೀಕ್ಷಕರೇ, VIP ಲಾಂಜ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿಯವರೊಂದಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಧ್ವಿ ಜಿ, ಆಪ್ ಬೋಲಿ ಶಾಯದ್ 2020 ಅಂದರ್ ಹಮಾರ ಜೊ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇ ವೋ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬನ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಕಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಯಹಾಂ ಪೇ ನಹೀಂ ರಹ ಸಕ್ತೆ, ಯಾ ಆಪ್ಕಾ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ? मेरा हिंदू राष्ट्र का कल्पना वो है जो सतयुग में था, जो द्वापर में था, जो त्रेता युग में था। ऐसा नहीं था कि उस समय विधर्मी नहीं थे, दुष्ट नहीं थे, लेकिन धर्म और संस्कृति थी, स्त्रियों का सम्मान था, वेद पूजन पठन होता था, गौ माता का सम्मान था, गौ माता के दूध की नदियाँ बहती थी और चारों तरफ सुख और शांति था। अच्छा, रही बात मुस्लिमों की या ईसाइयों की बात करते हैं, तो अभी कलयुग चल रहा है और इस समय परिस्थितियाँ ऐसी है कि पूरा भारत ही नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम के भावना की बात करते हैं। अब मेरे स्टेटमेंट को अगर लोग दो स्टेटमेंट समझे कि भाई एक तरफ साध्वी जी नफरत भी करती है, एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हैं, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं करती हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष से घृणा नहीं करती हूँ कि मैं मुसलमान से ही घृणा कर रही हूँ। हम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मानते हैं, उन्होंने देश और धर्म के लिए कितना कुछ कहा। हमने रहीम को माना, रहीम की एक एक चौपाइयाँ, भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करते थे तो रहीम दास जी महाराज अपने कलयुग में रह करके चित्रकूट यानी त्रेता युग में पहुँच जाते थे कि कैसे भगवान चलते रहेंगे, कैसे भगवान। गुलाब सखी जो औरंगजेब की सेना से मंदिर तोड़ने के लिए आया था, लेकिन राधा रानी में ऐसा विलीन हो गया कि भक्त हो गया। तो जब हम उनको स्वीकार करते हैं तो क्या हम इतने घृणास्पद हो गए कि हम मुस्लिमों से नफरत करेंगे? हम नफरत करते हैं आतंकवादियों से, हम नफरत करते हैं भारत में रह के भारत माता की जय ना बोलने वालों से, हम नफरत करते हैं भारत में रह करके भारत की बहन बेटियों का सम्मान ना करने वालों से। मेरा बात ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदू ही रहे, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमारी मेजोरिटी है तो पहले तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अगर इस देश में कोई रहना चाहता है तो वो भारत माता का सच्चा पुत्र बन के रहे, भारत माता की जय बोले, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह अगर रहता है, अगर वो रहीम और रसखान की तरह रहता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। हाल ही में अगर आप कश्मीर में देखो तो जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। अब लैंड माफिया जो है वो लैंड जिहाद हो गया है, जैसे कि मुसलमानों ने जगह अपना खुद का बना के वहाँ पे मॉस्क बनाना शुरू कर दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सही कहा, 14 जिहाद इनके चल रहे हैं। इनके जिहाद का मीनिंग इनसे पूछो तो वो बहुत ही अच्छा और अलग तरीके से बनाते हैं कि इनको जन्नत मिलती, हूरें मिलती हैं एंड वो सब जिहाद करके। लेकिन लैंड जिहाद का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी ज़मीन को अतिक्रमण करके उसको अपना बना करके वहाँ पे मस्जिदें क्रिएट कर देना। कश्मीर की स्थिति तो ये है ही, ये कश्मीर से ज़्यादा पूरे भारत में फैल चुकी है।
अभी मैं अगर किसी भी रास्ते से जाती हूँ और अगर मैं 100 या 200 किलोमीटर का सफ़र तय करती हूँ, तो अगर उस बीच में जंगल आता है, तो एक जंगल में जहाँ पे 40 किलोमीटर्स का अगर कोई जंगल या कोई सर्कल या ऐसा वो रहता है, तो वहाँ पे 10 से 20 ये देखने को मैक्सिमम मिल ही जाते हैं, मस्जिद देखने को मिली। हाँ, मतलब ऐसी मस्जिद है जहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है, एक ग्रीन सा चादर उड़ा के चबूतरा बना करके उन्होंने वो क्रिएट करके रख दिया। अच्छा, वही जगह पे अगर कोई हनुमान जी का मंदिर होता है या कुछ होता है, तो गवर्नमेंट उसको तोड़ा के कि रोड को हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चौड़ी करना है, वैसा करना है, तोड़ देते। अभी मेट्रो के कारण दिल्ली में कितने सारे मंदिर टूट गए, तो वहाँ पे हमारे 33,000 से ज़्यादा भारत में अभी तक के मंदिर हमारे टूट चुके हैं और इनके हजारों की संख्या में मस्जिदें तैयार हो रही हैं। तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, इनका इतना भयंकर, इतनी लार्ज स्केल पे लैंड जिहाद चल रहा है, कोई पूछने वाला है कि नहीं है? हम अगर वहीं पे मंदिर बनाते हैं तो हमें 100 बार परमिशन लेनी पड़ती है। अगर पुराना कोई मंदिर है तो उसको भी ये लोग तोड़ तोड़ के करते हैं। इनसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं होता है कि आप हर मतलब गैर कानूनी काम ऐसा क्यों करते हैं? आप केरला में देख लीजिए, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लैंड में या रोड पे ऑन द वे आपको मस्जिद मिलेगी, वो सब गैर कानूनी है। तो इस पे भी सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए और इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, वरना आने वाले समय में हर जगह पे हमको मस्जिदों के सिवा और कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। सही है। अभी कश्मीर में जो चल रहा है, कश्मीर में शायद वो लोग इंडिपेंडेंट कंट्री का मांग कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? समझ में ये नहीं आता कि लोग करेंगे क्या, इतना अलग अलग देश की मांग कर रहे हैं। हम भी तो जेएनयू के, आपने पिछले साल के नारे सुने होंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। इन लोगों की पॉलिसी, उनका पॉलिसी तो कश्मीर चाहिए, भारत में रह के भारत को बुरा कहने वाले लोगों की पॉलिसी क्या है कि इनको हर एक घर अपना अलग राष्ट्र चाहिए। मतलब इनका एक घर ही एक राष्ट्र होता है। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा आज़ादी आपको अपने नहीं चाहिए, आपको आपका देश नहीं चाहिए, आपको आपका भारत नहीं चाहिए, और अब उनकी प्रकल्पना से ये भी जुड़ चुके हैं। तो कश्मीर की बात जहाँ तक करें, हमारा एक अंग है कश्मीर, भारत पहले अखंड भारत था, भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, एक एक करके सारे देश चले गए, अब कश्मीर की बात कर रहे हैं ये लोग। कश्मीर एक समय पर कश्यप ऋषि की, जो हमारे अनादिकाल से चले आ रहे ऋषि मुनि संत है, तो कश्यप ऋषि की तपस्थली रही है। अब कश्यप ऋषि की तपस्थली होने के बाद उस धरती पे इतना मतलब सात्विक वातावरण अभी भी है कि अगर कोई कश्मीर जाता है तो उसको आत्मिक शांति की अनुभूति मन ही मन होती। वैसे तो आतंकवादियों की वजह से ऐसा कुछ बचा नहीं है, परंतु वो धरती बहुत पवित्र है। तो किसी भी कीमत पे कश्मीर को तो हम जाने नहीं दे सकते, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, पर कश्मीर हम नहीं दे सकते। अब राष्ट्र के हित में जो काम चल रहे हैं, उस हित में आपने आरएसएस के द्वारा अपना काम शुरू किया है, हिंदू राष्ट्र का कल्पन के बारे में भी आप बोल दिए, लेकिन अखंड भारत के कल्पना के बारे में आपका क्या कहना है? पहले हिंदू राष्ट्र तो मिल जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, देश में रह के जब हिंदुओं को ही घुटन महसूस होने लगे और दुख होने लगे ना, तो उससे ज़्यादा दुखी की बात क्या होगी कि यहाँ पे हिंदू कहते हैं कि हमें घुटन होती है, हमें रहा नहीं जाता। अरे, आपको यहाँ पे घुटन होती है, आप यहाँ पे रह नहीं पाते। अब बीफ के का समय जब मुद्दा उठा था, तो वो लोग बोलते थे कि भारत सुरक्षित नहीं है, भारत ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी बोलते हैं, कई हिंदुओं के मुंह से भी ऐसा स्टेटमेंट सुना। तो मैं चाहती हूँ जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, तो उस दिन ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अखंड भारत की बात जहाँ तक आई, तो अखंड भारत की प्रकल्पना हमारा यही उद्देश्य कि भारत के जितने साधु संत हैं, समाज के लोग हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति इतनी पवित्र, इतनी अच्छी और इतनी मोटिवेशन देने वाली संस्कृति है कि दुनिया के किसी भी कोने में हम जाएंगे, हमें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। जैसे मैं लंदन जाती हूँ, वहाँ पे लोग मुझे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और फिर हमसे कहते हैं कि अरे, आप उसी भारत से हैं जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, आप उसी भारत से जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज आए, जहाँ महाराणा प्रताप आए। तो हमारा हृदय चौड़ा हो जाता है गर्व से कि हाँ, हमारे भारत की संस्कृति को विवेकानंद, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के नामों से जाना जाता है। तो अखंड भारत की स्थापना का भी उद्देश्य यही है कि भारत के साधु समाज को, जैसे विवेकानंद जी महाराज ने कार्य किया था कि अमेरिका में शिकागो में जाकर के भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊपर उठाया था। एक समय ऐसा भी था विवेकानंद जी के समय का कि भारत भारत होते हुए भी पूरा भारत अखंड भारत हो चुका था, क्योंकि उनके विचारों के द्वारा। तो बात क्या है कि जैसा हमारा विचार है, हमारी संस्कृति का विचार है, अगर वो पूरे विश्व में फैल गया, तो शायद वो भी अखंड भारत का ही एक प्ररूप होगा।
एक तरफ हम लोग अखंड भारत के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ हमारे यहाँ हैदराबाद में बैठे हुए अकबरुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं 15 मिनट दे दो सब हिंदुओं को हम ख़त्म कर देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है सादी जी? वो तो एक निकृष्ट आदमी है, मतलब मुस्लिम लोग भी शायद कभी कभी कोई सोचते होंगे कि कहाँ से प्रकट हो गया उनके यहाँ ऐसा, क्योंकि हम तो उसको कुत्ता भी नहीं कहते। मैं सच कहूँ ये टीवी चैनल पे ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। तो कुत्ता होता हमारे घर में, हम उसको रक्षा करते हैं, संस्कृत में उसको स्वान बोलते हैं कुत्ते को, तो हम उसको घर पे रखते हैं। वो हमारे घर से कितनी वफादारी करता है, चोर आता है तो भी चिल्लाता है, हमारे घर की सुरक्षा करता है। ये ऐसा कुत्ता है कि मतलब रहता भारत में है, अन्न भारत का खाता है, पानी भारत का पीता और बजाता पाकिस्तान की है। मतलब ये कहता है राम मंदिर बनने नहीं देंगे, ये कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो इस व्यक्ति को जरा भी आभास नहीं है कि पुलिस साथ में थी जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। तो कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जो मुझे आके कहते हैं कि साध्वी जी हमने कार सेवा में योगदान दिया, बलिदान दिया, तो पुलिस को हटाने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी अगर हम हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना करते हैं। तो जितने लोग रहीम रसखान और ऐसे लोग हैं जो देश और धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो संस्कृति और भारत माता की जय बोलने वाले, वो एक तरफ होंगे। और आतंकवादियों का अगर विनाश करने की बारी आई तो ना हमें पुलिस हटाने की जरूरत, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र होते हैं। अगर हिंदू अपनी शक्ति को समझने लगे तो फिर से जलियांवाला बाग बनाने में व्यक्ति को समय नहीं लगेगा। तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए खास तौर से चेतावनी है कि वो केवल अपने बिल में घुस करके ही ऐसे भाषण या ऐसे प्रवचन दे सकता है, वो बोल सकता है, क्योंकि वो उसका जो खून है वो बहुत गंदा है। वो भगवान श्री राम की माता कौशल्या के, मैं अब यहीं पे आपसे प्रश्न करती हूँ, आप देखिए कि मैंने एक शब्द बोला बीफ खाने वालों को फांसी दो, मैंने इतना बोला कि हथियार रखे हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए, लेकिन ये व्यक्ति भगवान श्री राम के प्रति ऐसे शब्द बोलता है, माता कौशल्या को के प्रति अनर्गल बातें करता है, कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम हिंदुओं का खत्मा कर देंगे, हम 100 करोड़ हिंदुओं को मार डालेंगे। उस समय गवर्नमेंट कहाँ चली जाती है? केंद्र सरकार से कोई स्टेटमेंट नहीं निकलता, वहाँ की राज्य सरकार से कोई स्टेटमेंट नहीं निकलता। तो समस्या इसी बात की है कि हम हिंदू राष्ट्र, हमें इसीलिए चाहिए कि कम से कम हिंदू राष्ट्र होगा तो हम खुल करके अपनी बात तो सामने कह पाएंगे, रख पाएंगे। अभी अगर आप अयोध्या की बात करो तो अयोध्या में अभी बाबरी मस्जिद का जो तोड़ हुआ है, तो अभी राम जन्मभूमि कब होगा साध्वी जी, आपका क्या ख्याल है? राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की बात कभी कई वर्षों से चली आ रही है, कभी कोर्ट का सामने आता है, कभी वो अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद के उसके ऑर्डर के अनुसार 3 हिस्सों में जमीन बटी थी, एक तो राम मंदिर जो न्यास की समिति है उसके लिए, और एक राम जन्म भूमि के लिए, और एक इनके मुस्लिमों के लिए। तो वो मुस्लिमों वाला जो मैटर था वो अटका हुआ है कि हमें वो उनको नहीं देना नहीं है, वो पूरी भूमि ही। तो हम कहते हैं कि दो जगह तो हमने दे दी तो उसमें कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना चाहिए, और वो वाली जगह को फिर बाद में हटाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे एक तरफ, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है। जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहाँ पर किसी और को भूमि देना तो हो ही नहीं सकता। क्या इसलिए कार सेवकों ने बलिदान दिया था कि भाई आप आधी जमीन ले जाकर के चले जाओ यहाँ से? वैसा हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी आशा की किरण आई है, क्योंकि एक संत उत्तर प्रदेश की धरती की गद्दी पे विराजमान है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, उनसे काफ़ी वो है कि हाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन समस्या इस बात की है जो जमीन है वो पूरी केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, वो राज्य सरकार की भूमि है ही नहीं। तो माननीय योगी जी से बहुत सारी आशाएं तो हैं, लेकिन जब भूमि ही केंद्र सरकार की है, मैटर ही केंद्र सरकार का है, तो वो राज्य सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो मैं जल्दी से जल्दी यही प्रार्थना करूंगी भगवान श्री राम से कि मंदिर बने, और आई होप लोग कहते तो हैं कि 2018 तक मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। आप अब जब केंद्र सरकार के बारे में बोल रहे हो तो केंद्र सरकार भी तो प्रो हिंदू ही बना हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार? मैं यहाँ पे केंद्र सरकार का बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनकी बात तो कानों तक बात जाए, मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई हिंदुओं की समर्थक है। अगर वो हिंदुओं का समर्थन करने वाली होती तो हमें आज इस तरह इसके से बैठ के चैनल पे अपनी बातें रखनी नहीं पड़ रही होती। आप सही कह रहे हैं, हिंदुओं का सिर्फ हनन और पतन ही होता है, चाहे वो वोट बैंकिंग के लिए हो, चाहे वो उनके राम मंदिर का वो मैटर हो, वो भी वोट बैंकिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो बात इतनी सी आ जाती है कि अगर आप वोट बैंकिंग की राजनीति करते हो तो आपको जितने भी लोग हैं या जितने भी ये मुस्लिम हैं या नॉन हिंदू हैं उनका वोटिंग ही रद्द कर देना चाहिए, तो फिर तो वोट बैंक की कोई राजनीति ही नहीं रह जाएगी। तो अगर आप
क्योंकि लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, मैं जानती हूँ, क्योंकि ये हिंदू प्रधान देश है ही नहीं। अगर ये हिंदू प्रधान देश होता, और केंद्र सरकार भी ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है, राजधर्म की पार्टी नहीं है। जिस दिन इन्होंने संविधान के साथ धर्म को ऐड कर लिया, उस दिन शायद इनका कुछ भला हो सके, कुछ हो सकता है। हाँ। साध्वी जी, आप आज उडुपी में आए हो, सो कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ जी, शायद आप ये दूसरी बार इस प्रदेश में आए हो। हाँ, आपको हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले मैंगलोर में आई थी 2015 में। मैं हालांकि इस प्रदेश में तो कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन उडुपी शायद मेरा पहली बार आना हुआ है, और मैंगलोर में इससे पहले हुआ था। पूज्य पेजावर स्वामी जी से मिलना था और उनके दर्शन किए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए, काफ़ी आनंद में लगा। और यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है। आपके यहाँ सारे लोग भी हिंदुत्व में हैं, तो मैं यहाँ के लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरे आने का उद्देश्य यहाँ पे कोई घूमना फिरना या वो नहीं था, सिर्फ यही उद्देश्य था कि देश में चल रही परिस्थितियों को मैं देख सकूँ। मैं केरला जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया। मतलब वहाँ के लोगों को सूचना दी कुछ लोगों को कि आना चाहते हैं ऐसा करके, तो बोले नहीं साध्वी जी, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो जिन जगहों पर हम अपने भाइयों के पास जाना चाहते वहाँ जाने नहीं देना चाहते, तो मैं चाहती थी कि चलिए ऐसी कोई स्थान पर जाऊँ जहाँ जाके मैं देश धर्म और संस्कृति का संदेश दे सकूं। तो ये भी मेरी लाइफ का एक पार्ट है, और भगवान की फिर कभी कृपा हुई तो फिर से मैं एक तरफ तो बोल रहे हैं कि फ्रीडम चाहिए, और आपको केरला में जाने के लिए रोक लगा रहे हैं। हाँ, तो अभी गोवा के लिए भी रोक लगा रहे हैं। अभी तो टीवी पे डिबेट बैठ रही कि उनको बैन करो, मुझे गोवा में बैन करना है, मुझे इधर बेलगाम में, मेरा पिछले बार कार्यक्रम था तो उधर का प्रशासन ने वो मना किया कि नहीं आने देंगे। तो मतलब हर जगह बैन, एक तरफ इनको खुद का फ्रीडम चाहिए और हमारा फ्रीडम ये हमसे छीनते हैं। तो और शायद आपने जब भी यहाँ पे कुछ लोगों से बात की हो या फिर एक भाषण दिया हो, तो कभी कभी आपके ऊपर केस भी बन जी जाते हाँ, ये मैंगलुरु में ही लगभग यहाँ के, और मैं आपको यू डोंट बिलीव कि वहाँ हिंदू ऐसे कई हिंदुओं ने मुझ पर केस किया, और दो चार मुस्लिमों ने ऐसे करके करीब 20 से ज़्यादा लोगों ने जगह जगह पे केस किए। आप इन सब चीज़ों को कैसे फेस कर लेते हो? बहुत इजीली, बिकॉज ऑफ कि मेरे साथ इतने सारे हिंदू भाई हैं, आप हैं, सारा संगठन है, सब लोग हैं, वो मुझे सब संबल देते हैं। मैं कभी हताश नहीं होती, कभी निराश नहीं होती, और काफ़ी प्रसन्न और खुश भी रहती हूँ, और काफ़ी अच्छा भी समझती हूँ कि चलो इन लोगों को शायद मेरी पॉइंट, मेरी बात कहीं ना कहीं चुभ रही है, और ये बात इस बात से डर रहे हैं, तभी तो ऐसा रिएक्शन इनका सामने आ रहा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दुख तब आता है कि जब हमारे हिंदू भाई ही हमारे संग ऐसा व्यवहार करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा काम करे तो कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उनका कर्म ही ऐसा, वो करेंगे ही ऐसा। लेकिन मुझे मेरे हिंदू भाइयों से कम इतना निवेदन है कि मैं जो कर रही हूँ वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ, आपकी रक्षा और देश धर्म को की रक्षा और बचाए रखने के लिए कर रही हूँ। तो वो बस मेरा सपोर्ट करे, मेरे साथ दे, और सपोर्ट ना करे एटलीस्ट तो कम से कम ऐसे कार्य करने से बाधा ना डाले। अब जब भी मंगलूर की बात होती है तो शायद नेशनल मीडिया इसको पब अटैक और शायद मॉरल पोलिसिंग ऐसे सब चीज़ों के लिए कवर करती है, तो आपको क्या लगता है जब आप मंगलूर आए हो, उडुपी आए हो, इस एरिया में आपको कैसा लगता है साधु जी? इसीलिए तो देखिए, मैं बिल्कुल निर्भीकता से आई हूँ। मुझे अभी आते आते गोवा से उधर से किसी ने कहा आपको तो बहुत सारी सिक्योरिटी लेके जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसा है खतरा। मैंने कहा कि ये सब रविश बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो मतलब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे इतने सारे हिंदू भाई हैं, और हम समाज को एक स्वतंत्र भारत देना चाहते हैं, और हम खुद की अपनी रक्षा के लिए कहें कि हमें बहुत सारी सिक्योरिटी चाहिए, वैसा मुझे कोई समस्या नहीं। यहाँ चाहे कितना भी इशू क्रिएट करे या कुछ भी कहें कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा या ऐसा कुछ हो चुका है तो मुझे किसी बात का डर हो, वैसा कुछ भी नहीं होता। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होता है इधर? क्योंकि जब भी नेशनल मीडिया में उड़पी या मैंगलोर के बारे में बात होता है तो ऐसा ही होता है जैसे कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो सिर्फ दंगे करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मतलब एकदम गलत है। मैंने कहा ना, मैं पिछले बार जब मैंगलुरु में भी आई तो मुझे एकदम बहुत बड़ा अच्छा धार्मिक माहौल, इवन हिंदू का मैं बात करती हूँ कि जितना हिंदुत्व इधर उड़पी और मैंगलोर साइड में है उतना शायद मध्य भारत में भी नहीं होगा। यहाँ हिंदुत्ववादी लोग हैं और बिल्कुल ऐसा करने वाले नहीं है। अगर आपको दंगा देखना तो आप कश्मीर में जाके चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, हमारे शहीदों के सिर काट काट कर लाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट उसको क्या कहेगी? अगर हम हिंदुओं को ऐसा काम, भगवा आतंकवाद शब्द का हमें नाम दिया जाता है, जब भी कुछ कार्य अगर करते हैं देश धर्म के लिए तो भगवा आतंकवाद, तो उन आतंकवादियों पर तो नजर जाती नहीं है और हम लोगों के पीछे ही पड़ी रहती गवर्नमेंट। साध्वी जी, आपने शायद हमें आधा घंटे का आपका समय दिया, और स्पंदना टीवी आपका आभारी है कि आपका सोच जो है हम इस माध्यम के मुखांतर सबको दिखा पा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।